खरगोन जिले के गोगावा नगर में समीपस्थ ग्राम अदलपुरा निवासी मीठाराम पिता दगड़ू वर्मा के बाड़े में 2 से 3 बजे के लगभग बैठी भेड़ों पर अज्ञात जानवरों ने हमला कर दिया, जिसमें 6 भेड़ मृत पाई गई और 3 भेड़ों को घायल किया गया। इसके अलावा 5 भेड़ लापता होने की बात रेवाराम द्वारा बताई गई। सूचना देने पर गोगांव पुलिस और वन विभाग द्वारा मौका पंचनामा बनाया गया, जिसमें मिली जानकारी के अनुसार बाड़े में बैठी भेड़ों का सियार अथवा भेड़िए के हमले की आशंका बताई जा रही। मीठाराम पिता दगड़ू ने हमारे संवाददाता को बताया कि मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण इसी के आधार पर चलता था। करीब 14 भेड़े थी, जिसमें से 3 घायल है, 6 मृत हैं, वहीं 5 भेड़े लापता है। गोगांव से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। आज जो है ये हमारे भाई है मीठाराम भाई, मतलब गरीब आदमी रहता है, वो भेड़ बकरी पालता है, लेकिन आज रात में जो है कोई अज्ञात जानवर आया और वो बाड़े में घुस गया और करीबन ये 5-7 जानवर उनको तो वो खा गया, और कितने 4-6 जानवर उनको तो ये खाए हुए पड़े हैं, और 5 जानवर को लापता है वो ले गया यहाँ से बाड़े में से उठा के, और 3 जानवर करीबन घायल और पड़े हैं। ये कितने बजे की बात होगी रात? ये करीबन 2:30-3 बजे रात की बात है। ये अनुमानित गाडरों की कीमतें कितनी हो सकती है? ये अनुमानी मतलब ये मान के चलो कि 70-80 हज़ार रुपये का, मतलब ये 7,000-8,000 की धन था। तो ऐसा क्या हो सकता है कोई जानवर? ये तो अब हम तो रात के समय में अंधेरी रात में बिता ही नहीं सकते कि कौन सा जानवर आया और इसी हालत करके कितना जानवर आया, एक आया कि दो आए कि बागड़ कूद के और इधर ये बाड़े में घुसा, इधर कौन सा जानवर था ये तो हम नहीं बिता सकते। आपका शुभ नाम क्या है? रेवाराम भाई गोताखोरी। कहाँ रहते हैं? अदलपुरा। ये हमारे मीठाराम भाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।